नमस्कार, जितने भी पेंशनधारक ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार सभी पेंशनधारक जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है पेंशन रिवीजन को लेकर। जल्दी से जल्दी जुड़े एक बार, हम आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आए हैं पेंशन रिवीजन को लेकर। अगर हम बात करें तो हर एक रैंक वालों के लिए कितनी उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो बताएंगे हम आपको, बिल्कुल रैंक के वाइज। और जितनी क्वालिफाइंग सर्विस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर बता दें, सिपाही से लेकर ऑनर जो है, ऑनररी नायक, नायक ऑनररी, हवलदार, हवलदार ऑनररी, नायब सूबेदार और नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन, सभी की रैंक, जितने भी पेंशन धारक हैं चाहे आपकी कोई सी भी रैंक हो, हम आपको इस वीडियो बिल्कुल निचोड़ बताएंगे कि आपकी पेंशन इस रिवीजन में कितनी बढ़ेगी, जो आज रिवीजन हो सकता है या कल रिवीजन जो होगा पीसीडी द्वारा, जो ऑफिशियल टेबल पब्लिश की जाएगी उसके अंतर्गत आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी। जी हाँ, सिपाही से लेकर हम शुरू करते हैं। एक सिपाही रैंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है 7000 से लेकर यानी कि 7200 तक, एक जो सिपाही है 7200 तक उसकी पेंशन बढ़ेगी, यानी कि टोटल मिला के हमने आपको बताया 7200 तक एक सिपाही रैंक की पेंशन बढ़ेगी। यदि आप सिपाही रैंक से हैं तो आपकी 7200 तक आपकी पेंशन बढ़ेगी। उसके बाद ऑनररी नायक की अगर हम बात करें तो 7483 से लेकर 7780 ऑनररी नायक है जो, उनकी पेंशन यहाँ पर दी गई है लगभग अगर बात की जाए तो 8000, जी हाँ 8000 के राउंड फिगर में एक ऑनररी नायक की पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। हम आपको बता दें कि जितने भी पेंशन धारक, एक बार इस वीडियो को अगर आप देख लेते तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों और ऊपर देखते हैं, नायक की अगर हम बात करें, नायक की 8375 से लेकर 8525 यानी कि 8500 तक उनकी पेंशन रिवाइज होगी, 8500 तक पेंशन में बढ़ोतरी होगी मंथली पेंशन की हम बात करें, नायक की हम पेंशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनररी हवलदार, तो उनकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 8500 तक, उनकी भी 8500 तक जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी इस रिवीजन के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हवलदार की 9055 से लेकर 9700 यानी कि लगभग 10000, अगर हम राउंड फिगर बात करें 10000 तक की एक हवलदार की पेंशन में मंथली बढ़ोतरी यहाँ पर इस रिवीजन के बाद होगी। उसके साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऊपर की अगर और हम जाते हैं तो ऑनररी नायब की अगर हम बात करें तो उसकी 11000 यानी कि 11000 तक उसकी जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार से हम ऊपर देखते हैं नायब सूबेदार की अगर हम बात करें 10480 से लेकर 11000 यानी कि 12000 तक एक नायब सूबेदार की पेंशन है जो, उसमें बढ़ोतरी होगी। हमने आपको यहाँ पर दिखाया है 12000 समथिंग के आसपास उनकी जो नायब सूबेदार, उनकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। सूबेदार की अगर हम बात करें तो 13643 रुपये तक यानी कि 13500 तक उनकी जो मंथली पेंशन है वो हाइक होगी। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सूबेदार मेजर की अगर हम बात करें तो 14000 तक उनकी पेंशन हाइक होगी, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ऑनररी लेफ्टिनेंट की अगर बात की जाए तो 16000 तक उनकी जो है पेंशन बढ़ेगी। ऑनररी कैप्टन की बात करें तो उनकी 17000 तक उनकी पेंशन बढ़ेगी। इसी प्रकार से आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ये बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताई है ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और अब आज शाम को या कल सुबह किसी भी समय जो नई पेंशन टेबल जारी होगी जो कि ऑफिशियल होगी। मैंने ये आपको जो अपने हिसाब से और कैलकुलेट करके अच्छे तरीके से बताया कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी रिवीजन के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एरियर की बताऊंगा कितना आपको एरियर मिलेगा, तो जिसके बाद आपके हर कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।